बार जन्नतुल बकी के गोरकंद से मुलाकात हुई। ऐसी ऐसी बातें मुझे बताई उन्होंने, मैं कितनी देर तक तो रोता ही रहा। और मैं दो बातें बता देता हूं, फिर कभी मौका मिला तो इस पर तफसील से बात करेंगे। तो मैंने कहा यार कुछ तो बताओ जन्नतुल बकी के बारे में, ऐसा क्या है, हम तो सुनते हैं आप तो कब्रों में कब्र खोदते हैं, आप तो जन्नतुल बकी में ही होते हैं। कहते हैं अब्दुल अबी भाई पहले बताएं आपको मेरे जिस्म से खुशबू आ रही है। मैंने कहा खुशबू तो बड़ी आ रही है, कौन सा इत्र लगाया? कहते वल्ला मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, ये बकी की खुशबू है, जन्नतुल बकी की मट्टी की खुशबू है। अच्छा, वो कहते हैं दुनिया का कोई भी कब्रस्तान उठा लें, फिर मैंने भी गौर किया वहां आपको कीड़े बकोड़े बहुत सारे जानवर मिलते हैं ना, मुर्दे दफन हो रहे हैं और जाहिर है कब्रस्तान में तो सफाई नहीं होती ना, तो आपको कीड़े बोला जन्नतुल बकी में एक कीड़ा नहीं है। यानी मैं आपको रूहानियत वाली बातें नहीं बता रहा, रूहानियत तो अंदर क्या क्या होगा वो तो अल्लाह जाने, उसका हबीब जाने, उसकी कैसी करम नवाजियां, मैं तो जो नजर से आने वाली चीजें बता रहा हूं। कहता हम जब कब्र खोदते हैं ना अब्दुल हबीब भाई